तो इनसे मिलो, ये हैं हमारे यादव जी, इनको सब आता है, इनको सूचरिंग भी आती है, इनको ईसीजी करनी भी आती है, और क्या आता है, इंजेक्शन भी लगाना आता है, और कैन्यूला भी लगाना आता है। मतलब 10 साल की एज में इंजेक्शन लगाना, 10 साल की एज में इन्होंने इंजेक्शन लगाना सीख लिया था। सब सिखा देंगे, प्रो कर दोगे हम प्रो, सब कुछ एकदम ओके करा, ये हमको प्रो कर देंगे। ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ये हमारे। आपको पता है इस तरीके के बारे में क्या बात है? आपको सब कुछ पता है। ये आप हो, आपकी शक्ल कभी देखी नहीं हमने। अरे आपने दिखाई नहीं, शक्ल दिखा दे, शक्ल तो दिखा दो यादव जी, दिखा दो, हटा दो मास्क, एक बार चेहरा अपना दिखाएंगे, अपना मासूम सा चेहरा। क्या क्या बात है। अच्छा आपको सारे काम किसने सिखाए? पैदा होते ही सूत्र लगाने लगे। आपका घर कहाँ पे है यादव जी? मैं कह रही हूँ घर का है, मैं घर में बैठा हूँ। कहाँ पे? सुखेत्री है ना, सुखेत्री के पेशेंट्स आए थे हमारे पास। ऐसे आपको लग रहा होगा ना डॉक्टर्स की लाइफ थोड़ी वैसी होती है, हॉस्पिटल में लाइफ अच्छी होती है ना। मजाक चलता है। एक बार जो अगर कंप्यूटर खोल दे ना, सारी डाटा ही उड़ा देता है। अब क्या हमारा कैसे ऐसे कुछ उड़ा दोगे? मैं बैठे बैठे जो है बोलो आपके डाटा ही खो दूंगा। कॉपीराइट पाएंगे यार, इनको सब कुछ पता है। तेज है ये, इनसे बच के रहना पड़ेगा। लेना ही नहीं आपको, डाल ही नहीं पाएगा, डालूंगी नहीं मैं। उसमें एक एक चीज जो है ना, ना वो हैंग होगा ना कुछ, एक ही बटन दबाएंगे बस, रिकॉर्डिंग हो रही है। ध्यान से देखिए सनसनी चेहरे को, सनसनी के क्या खबर बोलते हैं, सनसनी खबर। हाँ बोले बात भी कोई डर नहीं है इनको। मैं तो कहता हूँ मोदी अभी आ जाए ना तो मोदी को जूता मारेंगे। नहीं अभी रिकॉर्ड किया ऐसे मत कहो, मोदी मेरा मोदी फेवरेट है। ये देखो दुनिया लूट ली उसने, फेवरेट कहाँ से आ गया उसका, पहले था वो अब नहीं है किसी का। वो हिंदुस्तान के पीएम चोर है और मनी माजरा अस्पताल चोर है, और मनी माजरा का प्रसाद ऐसी लोग। हिंदुस्तान के पीएम चोर है, हिंदुस्तान के पीएम चोर है और मनी माजरा का अस्पताल चोर है, और आगे मनी माजरा का प्रसाद क्या है, ऐसी लोग, ऐसी लोग है बन गया। कहते अस्पताल में कोई शॉप नहीं है, कैंटीन भी नहीं है, और क्या है, वही सारे ड्रग्स खत्म हो गए हैं, सारी सारी रात जो हम जाग करके रहते हैं, चौकीदारी हम करते रहते हैं, सारी रात बंदे मातर हम करते रहते हैं। कौन आप? इसका क्या मतलब था? आपकी इज्जत नहीं कर रही है भाई, ये सब देखा नहीं है। 16 में 16 के अंदर जो है हरियाणा का लकड़ी अलग होती है, हरियाणा अलग है, हम भी हरियाणा के हैं। इतनी अच्छी बातें कर रहे हो आप,
आपको पता है आप दो घंटे जितनी मर्जी आप लोड कर लो आपको क्रेडिट दे दो आप जो है निकल मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती समझाओ यार इनको नहीं हम हरियाणा का क्यों कहते लट क्या हरियाणा का जो लट है हरियाणा का जो लट है ना वो जब जो मतलब होली आता है ना तो लट के लट मार होली हां लट मार होली जो हरियाणा में होती है समझ गया ये हरियाणा के से पता ही नहीं लट मार होली नहीं होती हमारे यहां होती है गोबर में गिर के मारेगा तेरा काम बड़ा बना गए इंटरव्यू दो आप कहाँ क्या करते हो सब कुछ बताओ उनको इन्फो में अच्छा सब कुछ यादव नाम जी मेरा ऑलराउंडर बंदे हैं आप सारा कुछ बताओ मैं बता दिया मैं तो ये मूवी बन जाऊंगा उसको तो ये भी यार एमओ तो जो है एमओ जो है कोई बड़ी बात हो गया तो जो ऐसे मुख में क्या बोले था ऐसे मुख याद है मेरे क्या बोले पूछो ना ये तो है क्या है गेट आउट बाप याद है मेरे को सही बोला था तुम्हें किस बात पे पता नहीं सफाई क्या करता था कुछ सफाई क्या करता मैं जो है स्टिच लगा रहा था कहता जी आपकी अपशट लगा दी मेरे को आदमी पूछता मैंने तू है कौन अपशट लगाने वाला मैंने तू है कौन मैंने गेट आउट बात मैंने तेरे बल के तत्ती से है सुनो आकर तो लेंगे ये बढ़िया भी लग जाएगा गेट आउट बात इसका कैप्शन गेट आउट ही रख दिया अभी तक चल रहा यहाँ से कच्चा और बनन पाकर आ गया राउंड पे राउंड पे मैं कर रहा है ऐसी जी कहता कौन कौन है ड्यूटी पे बुलाओ यहाँ पे मैं तो बिट्टू डंडा ले आ इसको मैं बताता हूँ तो कौन कौन है हरियाणा वाला डंडा लट लिया लट हरियाणा वाला लट ले आ लट आपसे बच के रहना आप वो तो जो है ना बस फटाफट बाहर पता इसका कोई पता नहीं मूड खराब हो गया तो ये दोनों पाने भी लग जाएगा सही में ऐसा हाँ खुद खा लिया जैसा अभी यहाँ पे जो मैं नाक जैसा नाक भी खराब हो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो नाक करो बासुरी की जरूरत ही नहीं है आप ऐसे ही लेओगे ना बहस करो और देखो तुम्हारा ठीक है हम देखना चाहते हैं भागोगे भागेंगे हाँ जिनकी तरह कटते डीएम जो है ऐसे कापने लग गए थे आपने बुला दिया था ना हाँ डीएम जो है एक डीसी होता है क्योंकि डीएम होता है और डीसी से ऊपर होम सेक्रेटरी होता है उसके बाद एडवाइजर होता है एडवाइजर के ऊपर कौन लिखो यूपीएससी में लिखो आएगा ये पक्का है पर देना है कि यूपीएससी मुझे देना है अब जिस डिपार्टमेंट में अभी खड़े हो ना इसमें जो है 36 कुत्ते हैं 36 कुत्ते हैं हाँ अंदर मतलब हाँ 36 कुत्ता है इच्छाधारी क्या हुआ हाँ 36 कुत्ते होते हैं और एक ही शेर होते हैं आप शेर हो बाकी कुत्ते हैं ये कह रहे हो अच्छा आप एक चीज बताओ आप में पावर है नाग दे तबला नहीं तो फिर जिसको नाक काट देगा आप उसको जहर भी निकाल सकते हो फिर तो पावर
भाई वो मत कर दे कभी, मुझे चूस के जहर निकाल देता हूँ ना उसका। अगर नाग जो अगर काटता है उसी को बुला लो तो नाग जो है आएगा, मूवीज में देखते थे नाग आएगा, नाग आएगा, नाग आएगा, नाग जो है डंग मारेगा और वो पलट जाएगा। और कुछ हो आप, और कुछ हो, और कुछ भी हो आप, नाग आप बुलाते हो। दस मिनट हो बब, आज बंद कर दो उसको। अब क्या, अब क्या करें, ठीक हो दिखाओ उसको, देखो लुटरा वो, अब सबको उठाते हैं। अरे भाई रहन दे, फोन डांट खाई। नहीं नहीं तू डांट देने को, उनकी ड्यूटी है। मैं डरती है, मैं घर पर जाएंगे डरेगी। एक नाग देता है डरती। अरे बोला जा पूछो, अब हमें समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, अगर जब उतना पता उतना पूछ करके अगर नहीं हुआ किसी से पूछ लो, कोई बात नहीं। हाँ पर पेशेंट तो ठीक करना ही यार, पेशेंट तो करना ही पड़ेगा। ब्लॉग मतलब पता क्या होता है, अपनी लाइफ हम दिखाते कैमरा में। लाइक अगर जैसे मैं मेरा फर्स्ट डे इंटर्नशिप का, तो मैं बताऊंगी मेरा कैसा गया फर्स्ट डे, वो मैं दिखाऊंगी कैसा गया, क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, तो उसको ब्लॉग बोलते हैं। वीडियो का ब्लॉग, ब्लॉग वी बना जाता है। और अगर लिख के हम बताते हैं तो वो था ब्लॉग, और अगर हम वीडियो के थ्रू बताते हैं वो था ब्लॉग, समझे? ये कॉन्सेप्ट हो गई थी कोविड जी, अब तो आपके ये भी आ गया। देखो देखिए ब्लॉग, ब्लॉग सब सिखाएंगे आपको, ये भी आ गया। अब आपको और भी चीजें आ गई, देखो क्या हो गया। अब ऑलराउंडर के हाई लेवल प्रो मैक्स ऑलराउंडर अल्ट्रा प्रो आज मेरे को घर जाना है। घर ना आ जा, तो जाएगी घर तो तू नहीं तो क्या घर मतलब करना जाना ड्यूटी से घर जा अब फिर आना है। हमने तो बहुत गप्पे लगाई हैं। अच्छा है, हम तेज बोल रहे थे रात को। अच्छा सब्सक्राइब के लिए बोल दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ऐसे बोल दो कर देना, समझ गए ना? थैंक यू। दस गर्लफ्रेंड थी और शादी कितने से करी, एक से कृष्ण का नहीं आए ये, शादी इन्होंने राधा से किया। फिर दस ही कर लेते नहीं, कहते रब जो है जोड़ी तो एक से बना दे, कोई फायदा नहीं। आप कल करेंगे, आप कल बात करेंगे, आप नहीं यादव जी फायदा अब नहीं, अब नहीं। अच्छा तो स्टोरी तो बता दो, दस थी फिर क्या हुआ? बात सुनो, बात सुनो। अरे यार, अरे मेरे तो सुनो, लाल आ गया ना।